हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और ये वीडियो मैं बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो प्लस टू का एग्ज़ाम दे रहे हैं NIOS बोर्ड के जरिए। और ये सेट, ये चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का है और ये पहला चैप्टर है सेट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेट का डिफिनेशन क्या है। सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट को अगर अच्छी तरह से हम लोग डिफाइन कर दें तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक सेट है। दूसरा बात, दी वर्ड वेल डिफाइंड वॉज यूज बाय द जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर टू डिफाइन ए सेट। ठीक है, इसको कौन, ये जो वर्ड था इसका यूज कौन किया था? जॉर्ज कैंटोर, और इन्हीं को ही कहा जाता है फादर ऑफ सेट थ्योरी। इनको और क्या नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ सेट थ्योरी। अब देखिए, थोड़ा समझ लेते हैं कि सेट किस प्रकार से कहलाएगा, वो सेट है कि नहीं। जैसे कि पहला यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा हुआ है कुछ, देखिए, कलेक्शन ऑफ टॉल स्टूडेंट इन योर स्कूल। अब इसको आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? आप सिर्फ देख के तो ये डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ये बंदा बड़ा है, ये बंदा, या ये बंदा बड़ा है। सिर्फ हम लोग देख के उसका हाइट नहीं नाप सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को कुछ कंडीशन चाहिए। और दूसरा, तो इस प्रकार से ये जो है ये सेट नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है। यहाँ पे देखिए, कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट हु ऑफ योर स्कूल हुज हाइट इज मोर देन, हुज हाइट इज मोर देन। तो अब हमारे पास कंडीशन है, हम हर एक स्टूडेंट का लेंथ नाप सकते हैं, हाइट नाप सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट अरेंज कर सकते हैं कि जिस जिस बंदे का जो हाइट होगा वो 180 होगा, तो उनको हम एक सेट में कलेक्ट कर सकते हैं, एक सेट के अंदर में उसको हम लोग रख सकते हैं और लिख सकते हैं हम लोग इसको कि सेट ऑफ टॉल स्टूडेंट हुज हाइट इज मोर देन 180। उसी प्रकार से देखिए, दूसरा यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर स्कूल। अब भैया, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बंदा, कौन स्टूडेंट है जो इंटेलिजेंट है? और दूसरा वाला देखिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ दोज स्टूडेंट इन योर स्कूल हु हैव सिक्योर मोर देन 80%। तो यहाँ पे कंडीशन है, हम स्टूडेंट का मार्क देख के ये समझ सकते हैं कि वो स्टूडेंट इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो इस प्रकार से ये इंफॉर्मेशन के जरिए हम लोग सेट, मतलब एक कलेक्शन कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, और उसको हम कह सकते हैं ये सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इफ ए कलेक्शन इज ए सेट देन ईच ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कलेक्शन इज सेट टू बी एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे ए जो है ये क्या है? एक सेट है। ए इज ए सेट एंड ए बी सी इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। ए क्या है? ए इज ए सेट और ए बी सी इज ए एलिमेंट ऑफ ए। और यहाँ पे लिखा गया है ए सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो सेट को हम लोग जो नाम देते हैं वो हम लोग कैपिटल लेटर यूज करते हैं और वो इंग्लिश का अल्फाबेट होना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा चीज देखिए, उसका जो एलिमेंट्स होगा, इट्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर। और जो एलिमेंट्स होगा, अंदर का जो भी एलिमेंट्स हो, उसका जितना भी एलिमेंट्स हो, उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको सेट पढ़ना है, समझना है, तो उससे पहले आपको नंबर को सही तरीका से पहचानना होगा। नंबर को पहचानना होगा मतलब देखिए, जैसे कि n, जब भी n लिखा हुआ रहेगा तो आपको ये समझना है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और आप लोगों को, अगर आप प्लस टू में पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी तक, ये सारा नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। अब रहा बात होल नंबर, W से डिनोट किया जाता है होल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो को भी ऐड कर दे, जैसे 0, 1, 2, 3, तो ये क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। अब Z जो है ये इंटीजर के लिए है, Z इंटीजर के लिए होता है। इंटीजर क्या होता है? अगर यहाँ पे -1, -2 अप टू इन्फिनिटी तक, और फिर 0, फिर 1, 2, 3, तो ये सारा क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस जेड लिखा हुआ है, तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका पॉजिटिव नंबर आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। और यहाँ पे देखिए, माइनस अगर लिखा रहेगा जेड के ऊपर में, तो ये सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर आएगा।
मतलब कि -1 -2 -3 इस प्रकार से ये चलते जाएगा। अब यहाँ पे रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर आपको पता है रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जितना भी नंबर है चाहे वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर या फिर कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर में अगर होता है, जैसे 1/2, फिर आपका 2/3, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो -3 हो, ये सारा नंबर क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर कहलाएगा। अब इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है कि जो भी रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है। अब ये क्या बात हुआ कि जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है, मतलब कि जिसको हम लोग P/Q फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, जैसे कि आपका √2, √5, पाई, इस प्रकार का जो भी नंबर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। और उसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में क्या होता है, देखिए सेट ऑफ रियल नंबर में आपका रेशनल नंबर भी आ जाएगा और आपका रेशनल नंबर क्यू से डिनोट होता है और आपका इरेशनल नंबर भी आ जाएगा, और इनको अगर इस प्रकार से मिला दिया जाए ठीक है तो ये आपका रियल नंबर कहलाएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट आता है, एक होता है उसका रियल और एक होता है आपका इमेजनरी। इस प्रकार का नंबर अगर हम लोगों को मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कैसा नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आप लोगों को ये साइन जो है ये आप ध्यान से देख लीजिए कि दोबारा अगर क्वेश्चन में मिलेगा तो उस जगह आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस साइन के जरिए ही हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि और भी कुछ सिंबल जो कि सेट को रिप्रेजेंट करने में यूज होता है, जैसे कि यहाँ पे पहला सिंबल जो यहाँ पे दिया गया है इसे कहा जाता है बिलोंग्स टू, इसे कहा जाता है बिलोंग्स टू, का मतलब होता है कि अगर मैं 5 लूँ और ये कहूँ कि 5 जो है नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स 5 बिलोंग्स टू एन, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -5 तो -5 नेचुरल नंबर नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डज नॉट बिलोंग्स टू एन। उसी प्रकार से अगर कोई एग्जिस्ट है वो एलिमेंट तो हम लोग यहाँ पे देयर एग्जिस्ट यूज करते हैं, और एग्जिस्ट नहीं है तो हम लोग डज नॉट एग्जिस्ट का साइन के लिए ये यूज करते हैं। ये साइन सब जो है इसका नाम भी आप लोगों को याद रखना होगा कि कौन सा साइन हम लोग किस लिए यूज कर रहे हैं, ये भी समझना होगा, ठीक है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, एक होता है रोस्टर मेथड जिसको टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। इस मेथड में सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, देखिए इन दिस मेथड ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लिस्टिंग ऑल इट एलिमेंट सेपरेटिंग बाय कॉमा एंड इनक्लोजिंग देम इन ए कर्ली ब्रैकेट। मतलब देखिए सारा का सारा एलिमेंट हम लोगों को इसमें लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है ए बी द सेट ऑफ ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। अब देखिए ये नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स ये 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेचुरल नंबर लेस देन 5 तक क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दिया गया था कंडीशन लेस देन 5, लेस देन 5 मतलब 5 से छोटा होना चाहिए। तो इस प्रकार से इस सेट का कितना एलिमेंट आ रहा, 4। तो यहाँ पे बोला गया है टेबुलर फॉर्म में कि लिस्ट करना है सारा एलिमेंट को और उन लोगों को सेपरेट करेंगे हम लोग कॉमास से, तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना है। तो देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ है और इस सेट का नाम क्या है, ए है। इस तरह से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, ये दूसरा तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करने का। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा जा रहा है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। इन दिस फॉर्म एलिमेंट ऑफ द सेट आर नॉट लिस्टेड, मतलब इसमें सारा का सारा एलिमेंट लिस्टेड नहीं किया हुआ रहेगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा, बट दिस आर रिप्रेजेंटेड बाय सम कॉमन प्रॉपर्टी, मगर कुछ कॉमन प्रॉपर्टी के जरिए आपको ये बताया जाएगा कि उसमें किस प्रकार का एलिमेंट है, उस सेट में किस प्रकार का एलिमेंट है। कैसे, देखिए यहाँ पे ए जो है ये सेट का नाम हो गया और यहाँ पे जो इस टू साइन है इसका मतलब होता है एक्स के अंदर में सच दैट एक्स, मतलब इस प्रकार का एलिमेंट है, एक्स जो है एक एलिमेंट है किसका है, ए का, और इस टू के बाद में ये बताया जा रहा है कि ये इस प्रकार का एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग टू एन,
पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, x जो है वो नेचुरल नंबर है एंड, और दूसरा कंडीशन क्या बोला जा रहा है, x जो है वो 5 से छोटा है। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग को समझ में आ जा रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, उसके बाद और नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था कि ये जो एलिमेंट है वो 5 से छोटा होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये एलिमेंट हम लोग को मिल जा रहा है। तो इस तरह से कुछ कॉमन चीज़ दिया जाएगा, तो कॉमन चीज़ से अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, और पूरा का पूरा एलिमेंट अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहा जाएगा रोस्टर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।